हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यह है राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 10 की गणित के लिए मॉडल पेपर संख्या 5 आज हल करनी है। 4 मॉडल पेपर इसके हल कर चुके हैं, 2019 का सेट अपलोड कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसको। टोटल 7 प्रश्न आने वाले हैं आपकी इस पूरी परीक्षा में, गणित की परीक्षा के पेपर में। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है, सभी प्रश्न का निर्धारण रहते हैं। केवल 7वें प्रश्न आखिरी प्रश्न में आपको अथवा दिया जाता है, जहां पे आपको विकल्प चुनने की बात आती है। मतलब कि 2 प्रश्नों में 1 प्रश्न करना होता है। फिलहाल शुरू वाले जो भी प्रश्न हैं उनमें सभी प्रश्न करने होते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। सो दोस्तों, ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आए दिन गए बहुत बार आता रहता है और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। वैसे तो जिनको आता है बहुत आसान प्रश्न है, जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। कह रहे हैं, निम्न में से परिमेय संख्या है, इन चारों में से कौन सी परिमेय संख्या, ये हमको बताना है। देखिए, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं मिलती हैं वो पी बटे क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं है, वो अंडर रूट में है, ये अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि 31 अंडर रूट के अंदर है। अब देखिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में बहुत सारे अंकों तक मिलता जाएगा और इसका वर्गमूल सीधे सीधे मिलता नहीं है। इस वजह से ये भी अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट भी 5 भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 3 + √23 −√23। अगर आप ध्यान दें कि √23 प्लस माइनस में कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और √11 भी परिमेय संख्या नहीं है। आपको इस प्रश्न में अच्छे से समझना इस बात को है कि जो भी प्रश्न हमको दिया गया, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें हमको ये ध्यान देना होगा कि सभी के साथ अंडर रूट लगा है। अगर परिमेय पूछा जा रहा है तो सभी के साथ अंडर रूट लगाया जाएगा, जिसका वर्गमूल निकालते वक्त आराम से निकल जाएगा, या फिर जैसे कि ये कट गया वैसे कट जाएगा, केवल बिना अंडर रूट वाली संख्या बचेगी, वही होगी हमारी परिमेय संख्या। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। दूसरे प्रश्न की बारी। बहुपद 3x² − 4x + 5x − 2 का एक गुणनखंड है, इनमें से कौन सी संख्या इसका गुणनखंड है, इसका जानने के लिए आपको भी ये करना क्या होगा, इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड करने से ज्यादा बेहतर होता है कि ये सब जो दिए गए हैं ये बहुपद के, ये इसके गुणनखंड है, यानी बहुपद के शून्यक हैं। जो भी गुणनखंड से मिलता है संख्याएं वो शून्यक होती हैं। अब यहाँ पे गुणनखंड देने के बजाय, गुणनखंड भी गलत लिखा गया है, यहाँ पे शून्यक देना चाहिए था, शून्यक, क्योंकि गुणनखंड यक्स करके मिलता है, यक्स उसके साथ होना चाहिए, गुणनखंड ने यहाँ पे शून्यक देना चाहिए था। अब यहाँ पे कौन सा इसका शून्यक है, यहाँ पे सभी का मान इसमें रखते जाएंगे बारी बारी से, जैसे 4 रख देंगे यक्स की जगह पे, 2 रख देंगे, 5 रख देंगे, 0.2 भी रख देंगे, जिस पर हमको ये पूरा बहुपद 0 मिल जाएगा वही इसका शून्यक होगा। गुणनखंड ये गलत लिखा गया है, आपको समझना होगा इस बात को। तो दोस्तों, ये था बहुपद, और बहुपद में जो शून्यक दिए थे, यक्स बराबर जो पहला विकल्प था वो 4 के बारे में बात कर रहा था, x बराबर 4 रखते हैं तो देखते हैं क्या मिल जाएगा। यहाँ पे 4 की घाते 3 − 4 × 4 की घाते 2 + 5 × 4 − 2। यहाँ पे 4 × 16 = 64 हो जाएगा, −4 × 16, 16 × 64 मिलेगा, और यहाँ पे 4 × 5 = 20 −2 हो जाएगा, 64 से 64 घट जाएगा। यहाँ पे 18 मिल जाएगा, 0 नहीं मिल रहा, इसलिए ये शून्य नहीं होगा। यक्स बराबर अगला मान जो दिया गया था वो था 2, हम 2 रखकर प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे 2 की घाते 3 बन जाएगा, −4 × 2 की घाते 2 बन जाएगा, 2 की घाते 2 बनेगा, +5 × 2 बनेगा, −2 बन जाएगा। 2 की घाते 3 बराबर 2 × 4 = 8 होता है, और यहाँ पे 2 की घाते 2 बराबर 2 × 4 होता है, 4 × 4 यहाँ पे 16 मिल जाएगा, +5 × 10 हो जाएगा, −2 हो जाएगा, 16 और 2 दोनों है माइनस में, हो जाएगा −18, −18, 10 और 8 दोनों प्लस में है, हो जाएंगे +18, घटाने के मिल जाएगी 0, 0 मिल गया x बराबर 2 पर, इसलिए दूसरा वाला विकल्प सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो दिखाई दे रहा है वो x + 3y = 6 हो तो यक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ये यक्स का मान होगा, ये वाई का मान होगा, यक्स वाई का मान आपको समझ में आ रहा है।
ठीक इसी के प्रकार इसको भी करना है, यहाँ पे x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रख देना है और हल करना है, देखना है कि आता ही नहीं। यहाँ पे जीरो रखते हैं तो जीरो हो जाता है, 36 18 18 और 6 बराबर नहीं हो रहा, यह विकल्प गलत है। 3 रखते हैं, 3 एकम 3, 1 रखने पर y की जगह पे 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे रखेंगे 3, ये 3 एकम 3, 3 3 6 हो रहा है, ये दूसरे विकल्प पे ऐसा मिल रहा है, इसलिए ये इसका उत्तर होगा। ये रखने पर ये 3 3 9 और 10, 6 नहीं बन पाएगा, ये भी रखने पर ऐसा काम नहीं हो पाएगा, केवल दूसरे विकल्प रखने पर ऐसा हो रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको देखो ऐसा मेज़बानी करना ही है, आपको प्रश्न उतारना है, नीचे विकल्प सही वाला लिख देना है, और अगर आप ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो जैसे हमने किया है वहाँ पे रख के इसे ट्राई करके रफ में हल कर लेना, अगर मेज़बानी कर सकते हैं मेज़बानी कर लेना है, यहाँ पे पूरा आपको हल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही करना है, तो मेज़बानी आप कर सकते हैं तो ऐसे ही कर लेंगे, दूसरा विकल्प सही हो गया। सो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बारी, घ नंबर यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न आगे लिखा गया है। सो प्रश्न ये है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, समान आकार की आकृतियां परंतु उनके आमाप यानी उनकी मापे समान ना हो, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं, और सर्वांगसम आकृतियां जिनके आकार भी समान और आमाप भी समान होते हैं उनको सर्वांगसम कहा जाता है, जिनकी आमाप यानी कि माप यानी कि जो सेंटीमीटर में लंबाई होती है वो बराबर ना हो लेकिन आकार उनका समान दिखाई दे तो वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। आपको ये समझना होगा और सीधा सीधा रखना होगा। सो अगला आ जाता है त्रिकोणमिति वाला प्रश्न, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30 का मान इनमें से कौन सा होगा, इसको हल करेंगे और देखते हैं कैसे हल होता है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रश्न को उतार लिया है, प्रश्न है 1 - tan² 30 और यहाँ पे upon 1 + tan² 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, अगर यहाँ पे मान सभी जगह रखते हैं तो 1 - tan 30 के जगह यहाँ पे 1/√3 आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + 1/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे में मिल जाएगा 1 - यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे मिल जाएगा 1 + 1/3। सिंपल सी बात है, अब आगे क्या हो जाना है, 3 * 3 - 1 = 2/3 हो जाएगा, 3 * 3 = 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2/4 जो कि हो जाएगा 1/2 के बराबर, और ऐसे में मिल जाता है उत्तर 2, उत्तर मिलता है 1/2 और जो कि है ये दूसरा वाला विकल्प के बराबर। सो अगला प्रश्न है, बेलन के आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, πr² h होता है, ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र, 1/3 πr² h ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है, 2πr h होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, और ये πr r + l ये पता नहीं किसका होता है, शायद संपूर्ण पृष्ठ होता है शायद। सो इसको भी रहने देते हैं, बस ये समझते हैं कि πr² h होता है बेलन के आयतन का सूत्र, यही हमारा पहला विकल्प सही हो गया। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो जाने दीजिए, देखभे मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रश्न इन प्रश्नों के साथ।